देखिए अगला क्वेश्चन आपको है, दो माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए इसका कांसेप्ट क्या है, आपने पढ़ा है अगर दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण समान है और प्रतिक्रिया विपरीत है, यानी एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है, उनके बीच की दूरी अगर 2L है न्यूनतम दूरी, तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है दोनों आवेशों में एक आवेश का परिमाण इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस। चूंकि इसमें दिशा नहीं पूछा है, दिशा पूछा होता तो किधर से किधर की ओर होती, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब यहां पर देखिये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों आवेश क्या है, दो माइक्रोकूलाम के दो बराबर, तो देखिए दोनों का परिमाण यहां पर क्या है सेम, एवं विपरीत, विपरीत का मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, तो मान लिया आपको ये माइनस में और ये क्या है प्लस में, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ये बीच की दूरी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अब आप बताइए यहां Q के जगह पर क्या है, दो, Q के जगह पर दो, हम केवल परिमाण लेंगे क्योंकि P क्या है सदिश राशि है, इसलिए आवेश का केवल परिमाण लेंगे, परिमाण का मतलब इस चिन्ह को हटा दीजिए, प्लस और माइनस को हटा देंगे केवल क्या बचेगा दो, तो माइक्रो को हटाएंगे तो माइक्रो के जगह पर क्या रखेंगे 10^-6। 2L क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो यहां पर 2L के जगह पर क्या रखेंगे 3 सेंटीमीटर, तो सेंटी ये देखिए दूरी का जो एसआई पद्धत में मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो सेंटी को हटाएंगे, सेंटी का अपॉन क्या होता है 10^-2। तो चले आपको क्या दिया है इसमें, दोनों आवेशों में आवेशों का परिमाण कितना है, हम यहां पर आवेशों का परिमाण देखें, आवेशों का परिमाण यहां भी क्यों यहां भी क्यों, प्रकृति प्लस और ये क्या है माइनस, हम आवेशों के परिमाण को किससे डिनोट करेंगे क्यों से, फार्मूले में केवल आवेशों का परिमाण लिया जाएगा, तो Q बराबर कितना दिया है ये चिन्ह आप हटा दीजिए, तो अगर चिन्ह हटाएंगे तो यहां पे परिमाण, तो परिमाण कितना है 2 माइक्रोकूलाम, तो आपको ये हो गया 2 माइक्रो का अपवर्त क्या होता है 10^-6, उसके आगे क्या लगाएंगे C मतलब कूलाम। तो देखिए आवेश का एसआई पद्धत में मात्रक होता है कूलाम, इसलिए हम यहां पर माइक्रो का यहां पर वैल्यू रखते हैं, तो आवेश क्या हो गया 2 माइक्रोकूलाम, तो माइक्रो के जगह पर रखा 10^-6। अब इसके बाद दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो आवेशों के बीच की दूरी को फार्मूले में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है 2L से, यानी आवेशों के बीच की दूरी कितना है 2L। अब बताइए आवेशों के बीच की दूरी जो 2L है वो 2L किसके बराबर है 3 सेंटीमीटर के, तो मीटर आपको सेंटी जो है सेंटी आपको पूर्व लग है, तो सेंटी को हटाना है, तो आपको ये हो गया 2 सेंटी का अपवर्त आपने पढ़ा होगा 10^-2, उसके आगे क्या लगा है मीटर, तो मीटर लगा दिया, तो 2L क्या हो गया सॉरी 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटी के जगह 10^-2, उसके आगे मीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। अब इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे मान रख देंगे, तो Q का मान कितना है यहां पर 2 × 10^-6 और 2L की वैल्यू कितनी है 3 × 10^-2। अब देखें इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये हो जाएगा कूलाम मिंटू मीटर, यानी कूलाम मीटर हो गया, और आपको पी का मात्रक आपको एसआई पद्धत में लिखाया भी गया था, क्यू भी आपको एसआई पद्धत में है, 2L भी एसआई पद्धत में है, तो पी भी आपको एसआई पद्धत में आएगा कूलाम मिंटू कूलाम मीटर। अब 2 × 6 तो आपको ये हो गया मान का मान में मल्टीप्लाई करते हैं और 10^-6 तो यहां पर 10^ यहां पर 10^ यानी आपको ये जो 10^-6 10^-2 बेस 2 बार है, ये जो 10 बेस है ये 2 बार है,
हम इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और ये जो घाते हैं 10 की इनको विद साइन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 6 और माइनस 2। तो ये जो 10 आपको बेस है ये दो बार है, तो हमने इसको एक बार लिखा, और ये जो 10 की घाते हैं इनको विद साइन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों प्लस हो अथवा दोनों माइनस हो तो जुड़ेगा, यहां दोनों माइनस से जुड़ेगा, 6 और 2 8, अब चिन्ह क्या लिया जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 6 गुणित 10 की घात माइनस 8 कूलाम मीटर। तो यही आपको उत्तर हो गया, तो इसका उत्तर हो गया 6 गुणित 10 की घात माइनस 8 कूलाम मीटर। एक बार फिर से, आवेशों का परिमाण दिया है 2 माइक्रो कूलाम, आवेशों के परिमाण को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू बराबर हो गया 2 गुणित 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो के जगह 10 की घात माइनस 6। आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आवेशों के बीच की दूरी दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 2L हो गया 3 सेंटी, सेंटी का अपॉन 10 की घात माइनस 2 और उसके आगे 3 सेंटीमीटर। और द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी बराबर होता है क्यू इंटू 2L, तो क्यू का मान कितना रख दिया आपने, 2 गुणित 10 की घात माइनस 6 कूलाम, और ये 2L की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, तो 2 तिहाई 6, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 2, बेस 2 बार है, एक बार लिखा, माइनस 6 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 8, यही आपका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ये 2018 में पूछा गया यूपी में, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की घात 4 ये न्यूटन प्रति कूलाम है ये से 30 सेंटीमीटर पर रखने से 2 गुणित 10 की घात माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए इसमें दिया क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई यानी 2L दिया है, तो 2L दिया है 4 सेंटीमीटर, और सेंटी का अपवर्त क्या होता है 10 की घात माइनस 2 और ये मीटर। तो द्विध्रुव की लंबाई को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था आवेशों के बीच की दूरी यानी आपको द्विध्रुव की लंबाई, तो आवेशों के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव की लंबाई को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दिया है 4 सेंटीमीटर, सेंटी का अपॉन 10 की घात माइनस 2 को एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र एक समान है और उसका मान कितना दिया है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और ये मान दिया है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। आप जिस तरीके से आप वैसे भी आप लिख सकते हैं, रखने पर 2 गुणित 10 की घात माइनस 2 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है, तो बताइए इसमें बलाघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ कितना दिया है 2 गुणित 10 की घात माइनस 2 और इसका बलाघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें टाऊ हो, अब इसमें एंगल भी आपको दिया है, थीटा भी आपको दिया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने इसके कोण पर रखा गया 30 अंश के कोण पर, ये थीटा भी थीटा आपको दिया है, और आपसे पूछा द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का अब यहां पर कांसेप्ट पहले समझ लीजिए कि हम ये द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं। मान लिया आपके पास है कोई द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी 2L है, तो बताइए इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P बराबर Q इंटू 2L, लेकिन हम ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक समीकरण में एक ही अज्ञात राशि होनी चाहिए, एक से ज्यादा अज्ञात राशि नहीं होनी चाहिए,
तो अगर आपको P निकालना है तो Q और 2L दोनों मालूम होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में केवल 2L दिया है, यहां पर ये आपको दिया है लेकिन ये आपको ये नहीं दिया है और ये भी आपको नहीं मालूम है। तो एक समीकरण में अगर दो ज्ञात राशि है तो हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते, यानी P बराबर Q इंटू 2L से P नहीं निकाल सकते। दूसरा तरीका क्या है, अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि द्विध्रुव को ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर दिखाई गई हैं, बीच का गैप सेम है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाने का तरीका है। तो मान लिया आपको ये द्विध्रुव है जो ऋण आवेश और धनावेश से मिलकर बना है, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कितने इसके कोण पर रखा गया है, थीटा के कोण पर, और पी की डायरेक्शन किधर से किधर की होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, और ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो अगर कोई भी द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बलयुग्म कार्य करेगा, तो उस बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला आपने पढ़ा है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो बताइए फार्मूले में टाउ दिया है, यानी टाउ का जिक्र है, पी का जिक्र है, ई का जिक्र है, थीटा, तो ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें टाउ हो, पी हो, ई हो, थीटा हो, तो टाउ बराबर पी साइन थीटा ये डाटा से मैच कर रहा है। तो फार्मूला आपको ये हो जाएगा टाउ बराबर पीई साइन ऑफ थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अज्ञात राशि कौन है, पी, तो अज्ञात राशि को हम बाएं साइड में रखते हैं और ज्ञात राशियों को दाहिने साइड में रखते हैं, तो अज्ञात राशि पी है जिसको बाएं साइड में रखेंगे। अब आपको इसको बाएं साइड में रखेंगे, बाकी को हम दाहिने साइड में, तो बताइए अगर हम पी, तो बताइए अगर पी निकालना हो तो ई साइन थीटा को इधर लाना पड़ेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपान P बराबर हो जाएगा टाउ अपान E साइन थीटा। अब आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर इस 2L की जरूरत, यहां पर 2L की जरूरत तो पड़ी नहीं, ये केवल डाटा को फुलफिल करने के लिए दिया है, इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मान रखें P बराबर टाउ का मान कितना दिया है, 2×10^-2, तो टाउ का मान रख दिया 2×10^-, ध्यान रखिएगा यहां पर मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आपने मान नहीं रखा, यहां पे मान के साथ में मात्रक लिखा जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भौतिक, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो पदों की जरूरत होती है, आंकिक मान और मात्रक, यानी आंकिक मान जब लिखेंगे तुरंत मात्रक लिखेंगे अगर मात्रक है तो। अभी यहां पर आपने मान नहीं रखा है इसलिए हम यहां मात्रक नहीं लिखेंगे, अब मान रख रहे हैं इसके यहां पर मात्रक लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, तो टाउ का मान कितना है, 2×10^-2, ई का मान कितना दिया है, 10^4 इंटू साइन थीटा, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। अब देखिए आपने ये मान रख दिया, ये सभी मान किसमें है, एसआई पद्धत में, तो पी का भी मान आपको किसमें मिलेगा, एसआई पद्धत में, और द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई पद्धत में मात्रक आपने क्या पढ़ा है, कूलाम मीटर, ये हो जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये हो गया कूलाम मीटर। तो आपने टाउ का मान रख दिया, ई का मान रख दिया, थीटा का मान रख दिया, क्योंकि सभी मान आपको एसआई पद्धत में है, तो पी का भी मान एसआई पद्धत में क्या, इसका मात्रक मिलेगा कूलाम मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें साइन 30 का मान होता है 1/2, ये 2×10^-2 है, ये +4 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, अपान साइन 30 क्या है, 1/2, ये 2 पलट करके ऊपर जाएगा, तो 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2×2=4, तो P बराबर हो जाएगा 4×, यहां मात्रक आपको मात्रक को साथ में लिखना है, अगर मात्रक आप साथ में नहीं लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, तो ये 2×2 क्या हो गया 4, ये चूंकि बटा, देखिए 2 बार बटा है, ये पलट करके ऊपर जाएगा, तो 2×2 क्या हो जाएगा 4, और ये दोनों माइनस में घाते, तो अगर दोनों प्लस हो या अथवा दोनों माइनस हो तो जुड़ेगा, एक प्लस एक माइनस होता है तो घटता है, तो -2 -4 कितना हो जाएगा, -6, तो 10^-6, और ये हो जाएगा कूलाम मीटर, यही आपका उत्तर हो गया। तो उत्तर आपको हो गया 4×10^-6 कूलाम मीटर। एक बार फिर से
वेसर मावेसों के बीच की दूरी दिया, जिसको हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, 4×10^-2 मीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया था, मीटर बदल दिया। अलग इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं, आप लिखे जाए ना लिखे। वायु क्षेत्र को इसे डिनोट करते हैं और ये 10^4 न्यूटन कैपिटल लेटर से दिया ये। तो टाउ का मान कितना, बलाघूर्ण का मान हम इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ये 2×10^2 न्यूटन मीटर दिया है। और वायु क्षेत्र की दिशा से कोण कितना दिया है, 30 डिग्री, तो थीटा बड़ा 30। द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, तो आपको डाटा से मैच करने वाला यही फार्मूला है, ऐसा फार्मूला जिसमें टाऊ हो, पी हो, ई हो, थीटा हो, टाऊ हो, पी हो, ई हो, थीटा हो, डाटा से मैच करने वाला यही फार्मूला है, तो हम इसे मान लेते हैं। अज्ञात राशि आपको यहाँ पी है, इसको बाएं साइड में होना चाहिए, तो इन दोनों को इधर लाएंगे तो ये टाऊ के नीचे आ जाएगा, ये आपको ई साइन थीटा टाऊ के नीचे आ जाएगा, तो टाऊ मान ई साइन थीटा हो गया, ये पी के बराबर हो गया। अब आपको टाउ का मान आपने रख दिया, ई का मान वहां से रख दिया और थीटा का मान रख दिया, तो सभी मान एसआई पद्धति में रखे गए, ये कूलाम मीटर में आएगा। अब देखिए ये 10^4 है प्लस में, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये 2 पहले से, साइन 30 का मान होता 1/2, ये 2 प्लट ऊपर जाएगा, 2×2=4 हो जाएगा, -2 -4 कितना हो जाएगा -6, यही आपको उत्तर हो गया।